I'm Sana. Welcome to my channel, Sana Secrets. कैसे आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार चटनी. आपने ऐसी चटनी कभी नहीं खाई होगी. ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है. आप इसको फ्रूट चाट में भी डाल के खा सकते हैं, चना चाट में भी डाल के खा सकते हैं और आपके स्नैक्स समोसे पकौड़े सब चीज़ों के साथ आप खा सकते हैं. ये रमज़ान की मेरी स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा. लुक गाइस, ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यमी है, आप देख सकते हैं. इस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है इस मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी को. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो. सो माई यूट्यूब फ्रेंड्स, इस चटनी को बनाने के लिए तीन सुपर पावरफुल मेन इंग्रेडिएंट है. जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ये है आलू बुखारा. ड्राई आलू बुखारा लेना है आपने, जो मार्केट में बहुत काला सा सूखा सड़ा मिल रहा होता है वो वाला नहीं लेना आपने, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लेना है. इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और आप इसको भिगो भी सकते हैं 20 मिनट के लिए, फिर चटनी जल्दी बन जाती है. लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता तो मैं इन तीनों चीज़ों को भिगोती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट इनको वॉश करके पका लेती हूँ. बहुत जल्दी से बन जाती है, ये भी इतना टाइम नहीं लगता कोई ज़्यादा. जो मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है ड्राई खुबानी. इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और आपने खुबानी ज़रूर ज़रूर लेनी है, खुबानी के बगैर नहीं बनेगी ये चटनी मज़ेदार. और आपने आलू बुखारा और खुरबानी इक्वल क्वांटिटी में लेनी है, दोनों एक जितनी लेनी है. मैंने दोनों प्याली भर के ले लिए क्योंकि मैं तो एक हफ्ते के लिए चटनी बना रही हूँ. रोज़ फ्रूट चाट में भी डालती हूँ, चना चाट में भी डालती है, सारी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है ये चटनी, बहुत ज़बरदस्त बनती है. और इमली जो है मैंने खुरबानी और आलू बुखारे से थोड़ी कम ली है, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है. सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैंने चूल्हा जला दिया है और मैंने इसमें 4 ग्लास पानी शामिल कर दिए क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ. 2 ग्लास तो लगेंगे पकने के लिए, घुल मिल के पकेगी हमारी चटनी. अब मैं इसमें अपना आलू बुखारा ऐड कर दूँगी. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मेरी खुरबानी जाएगी इसमें. थर्ड इंग्रेडिएंट इमली भी ऐड कर दूँगी मैं इसमें. माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ काली मिर्च, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी मैं इसमें. 1/2 टीस्पून ही नमक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें. बहुत ज़्यादा नमक आपने नहीं डालना, सिर्फ फ्लेवर देने के लिए आप नमक ऐड करेंगे. माय लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ शुगर, चीनी आपने लेनी है. 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दी है मैंने इसमें. अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसे ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं और इससे कम चीनी भी डाल सकते हैं. और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप चीनी नहीं भी डालेंगे तो सीरियसली ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी. ज़रा सा इसको मिक्स कर दिया है मैंने और अब आपने इसको पका के पागल करना है, ये सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं. बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना. जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये पक पक के पागल हो रही है और ये हमारी सभी चीज़ें गल रही हैं, मिक्स हो रही हैं. आप देख सकते हैं आलू बुखारे भी फूल के गोल गप्पा हो गए हैं, खुरबानी भी गल रही है. अब मैं इसको 10 मिनट तक मज़ीद कुक करूँगी ताकि अच्छे तरीके से हमारी खुरबानी भी गल जाए, आलू बुखारा भी और ये ग्रेवी भी जो है हमारी और गाढ़ी हो जाए. तो आप लोग देख सकते हैं चटनी मेरे पास पक चुकी है, ये अच्छे तरीके से गल गए हैं और घुल मिल गए हैं. इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. इसकी ग्रेवी भी देखें काफ़ी थिक हो गई है और आधा मटेरियल तकरीबन मैश होके घुल मिल गया है इसमें. आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना वरना इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा. अब मैं चूल्हे को फ्लेम को जो है ऑफ़ कर लूँगी और अब मैं इसको ठंडा करूँगी कम्प्लीटली. आपने इसको ठंडा कर लेना है और इसमें जो गुठलियाँ हैं इमली की और आलू बुखारे की उसको मैं हाथों की हेल्प से निकालूँगी. आप लोग देख सकते हैं चटनी जो है ठंडी हो गई है और इसमें से सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं. अब मैं इस चटनी को ब्लेंड करके बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी. आप चाहें तो आप ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं लेकिन मैं हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे जो है बहुत जल्दी हो जाता है काम. आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और ये कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया. ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है, बहुत आसान रेसिपी है और जब आप इसे अपनी फ्रूट चाट में डालेंगे सब लोग पूछेंगे यार आज चाट में क्या डाला है, बहुत ही मज़ेदार है. इस चटनी को स्टोर करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है. आप इसको फ्रिज में रखेंगे और किसी भी एयरटाइट जार में रख दें या इस तरीके से बाउल में रख दें और ये ख़राब नहीं होगी. ये फ्रिज में जितना टाइम रहेगी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी और आप इसको 2 हफ्ते के लिए भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती. अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा. एंजॉय करें इस रमज़ान, अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें और इतनी मज़े मज़े की नेमतें अपना रखें. बहुत ज़्यादा ख्याल. Love yourself. Allah Hafiz.